नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन पर व्हाट्सअप यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं दोस्तों, कोई सा भी ब्राउजर यूज करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो मैंने मेन व्हाट्सअप के ऊपर बनाया हुआ है दोस्तों। यह टॉपिक मेन हमारा व्हाट्सअप के ऊपर है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्या है कि हमारे भाई लोग बहुत से हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता दोस्तों, या इंग्लिश से लिखा हुआ वर्ड समझ में नहीं आता दोस्तों, और उसको हिंदी में कन्वर्ट कैसे करना है दोस्तों। कोई भी लैंग्वेज जो हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, तमिलनाडु, उसको हम हिंदी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप मन चाहे जो भाषा आपको आती है उस भाषा में आपको किसी भी लैंग्वेज के कन्वर्ट कैसे करना है, तो इस वीडियो में ये जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखिए, जरूर मेरे वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है, और वो ट्रिक क्या है, कैसी ट्रिक है, वो मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई बॉस होता है या सिस्टर होती है या सर होते हैं कोई, या फिर कोई दोस्त होता है जो दोस्तों वो इंग्लिश से बात करता है बट आप उसको इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाते, या उसका वर्ड आप इंग्लिश का लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में आपको बहुत बुरा लगता है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, और आपका दोस्त सोचता है कि ये कोई पढ़ा लिखा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंडीशन में मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊँगा, और बहुत ही फटाफट उसको जवाब दे भी सकते हैं, वो भी इंग्लिश में दोस्तों, और उसका जो जवाब आया वो उसने जो इंग्लिश में आपसे बोला है वो आपको बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर आप सपोज कीजिए कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ और इसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, ये जो देख सकते हैं यही मैंने सेटिंग लगा रखी है दोस्तों। तो दोस्तों इसको सिंपल से यहां पर ले आना और इसके ऊपर इसे क्लिक कर देना है। तो यहां पर देख सकते हैं फूल की गठरी, तो ये फूल वाले हैं, यानी फूल वाले इन्होंने लिखा है, और इसका हिंदी का मतलब होता है फूल की गठरी, ठीक है ना। और यहाँ पर हिंदी से जो लिखा है, क्या आप मुझे जानते हैं दोस्तों, मैंने लिखा है, तो यहाँ लिखा आप मुझे जानते हो, तो दोस्तों ये सारा कुछ आपको लिखा है, तो आप जिस भाषा में चाहो उस भाषा में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और सेटिंग क्या है, कैसी सेटिंग है दोस्तों, वो आपको अपने फ़ोन में कैसे लगाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना दोस्तों, वहाँ पर आपको एक ऐप्स मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, और फिर उसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर, बताते हैं आपको कौन सा वो ऐप से दोस्तों। तो दोस्तों ये है कुछ वो एप्लीकेशन, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है और अब इसको मैं ओपन करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको इसे डाउनलोड करना है और ओपन करना है, और सेटिंग कैसे करनी है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ठीक है ना। इसे जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं दोस्तों, ये इतना ही नहीं दोस्तों, ये आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई गूगल ब्राउजर यूज करते हैं, या आपके पास मेल आता है, आप के कुछ भी अपने फ़ोन में यूज करते हैं कहीं भी हो दोस्तों, उसको आप उस शब्द को आप आसानी से वहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में। तो मैं इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा, और यहां पर एक्सेसरी का बटन आएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो ट्रेनेट का ऑप्शन होता है वो ऑफ होता है, इसको आपको ऑन करना होता है दोस्तों। किसी के सेकंड नंबर पे होता है, किसी का कहीं होता है, बट दोस्तों ये ट्रेनेट इसको आपको ढूंढना है, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ट्रेनेट कुछ इसी ऑप्शन पर होगा दोस्तों, तो हमारे फ़ोन पे इस जगह है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद इसे ऑफ है या ऑफ है तो इसको मैं ऑन कर लूँगा, ठीक है ना। ऑन करने के बाद सिंपल से मैं उस जगह आ जाऊँगा दोस्तों, तो मैं उस जगह आ चुका हूँ दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, और सेटिंग का जो आपको समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है, तो यहां पर इसको आप आसानी से करके सेटिंग से कहीं कोई भी ब्राउजर हो, कहीं भी आप जाकर इसे आसानी से वो इंग्लिश से हिंदी या किसी भी भाषा का हो उसे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस नोटिबार मेरे इंग्लिश से इंग्लिश लगा रखा है दोस्तों। आपको सेटिंग कैसे करना है, कौन सी भाषा है, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदी लगाए दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लगाए, अगर दोस्तों वो इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश लगा देना है, आप किस भाषा में इसको देखना चाहते हैं तो उसको हिंदी पे हम देखना चाहते हैं हिंदी पे हम कर देंगे। फिर से सेटिंग पे चले जाएंगे और यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोहरा सिम कार्ड और मोबाइल नंबर नेटवर्क। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसी लगी दोस्तों बताइए ज़रूर, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।